फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं? इस छोटे से वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन डीप वाटर के शॉर्ट लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर वन को देखेंगे। व्हाई वाज द YMCA पूल सेफ? YMCA पूल या ताल सुरक्षित क्यों था? आंसर देखें। द YMCA पूल वाज सेफ एज इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। YMCA पूल या ताल जो है वो इसलिए सुरक्षित था क्योंकि ये 2 या 3 फीट गहरा था जिधर उथला था, एंड 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी ओर जहाँ पर गहरा ज़्यादा था वो 9 फीट था। बट इट्स ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, लेकिन इसका ढलान बहुत धीमा था या इस पे तेज़ी से नहीं फिसला जा सकता था, इसलिए लोग इसे सुरक्षित मानते थे। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम? लेखक ने तैरना सीखना किस तरह शुरू किया या प्रारंभ किया? द ऑथर पैडल्ड विथ हिज वाटर विंग्स, लेखक अपने जल पंखों से तैरता था। ही वुड वॉच अदर बॉयज, वो दूसरे बच्चों को भी देखता था। एंड ट्राई टू लर्न, और सीखना प्रयास करता था सीखने का, स्विमिंग तैरना, बाय इमिटेटिंग देम, उनको देखकर नकल करके। क्लियर? इन दिस वे ही लर्न्ड द आर्ट ऑफ स्विमिंग, इस तरह से या इस तरीके से उसने स्विमिंग की कला सीख ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी। What is the misadventure that William Douglas speak about? William Douglas की लाइफ में ऐसा कौन सा misadventure हुआ या एक बुरी घटना हुई जिसके बारे में उन्होंने बताया? William Douglas had just learned swimming. William Douglas ने तैरना सीखा ही था। वन डे, एक दिन, एन 18-year-old बिग ब्रदर पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 feet डीप एंड ऑफ द YMCA पूल। एक बड़े लड़के ने जिसकी उम्र लगभग 18 साल की थी, बहुत ही शरारती और गुंडा किस्म का था, उसने उसे YMCA पूल के जो गहरा वाला क्षेत्र था 9 feet का, उसमें धक्का दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन ए सिटिंग पोजिशन, उसने बैठने की अवस्था में पानी की सतह पर हाथ पैर मारे। ही स्वालोड वाटर, उसने पानी भी निगल लिया, उसके मुंह में चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे वो पानी की तली में उतर गया। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर, इस दुर्घटना में वो लगभग मरते मरते बचा, एक तरह से वो मर ही गया था। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर? जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था उस समय वो क्या सोच रहा था? व्हेन द ऑथर वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर, जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था, ही थॉट, वो सोच रहा था, दैट ही वुड मेक अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड एंड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, कि वह ऊपर जोर से छलांग लगाएगा और पानी की सतह पर जाकर सीधा लेट जाएगा। ऑल्सो थॉट दैट ही वुड स्ट्राइक आउट विद हिज आर्म्स, उसने ये भी सोचा वो कसके अपने हाथों को चलाएगा, एंड थ्रेस्ट विद हिज लेग्स, और अपने पैरों को भी चलाएगा और पानी को काट कर वो ऊपर आ जाएगा। Then he would get to the edge of the pool and be safe. फिर वो तालाब के किनारे पहुँच जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखेंगे।
जो शायद इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आखिर विलियम डगलस ने पानी के ऊपर जीतने का निश्चय क्यों किया, या पानी से जो डर था उससे बाहर निकलने का निश्चय क्यों किया? डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस पानी से अपने डर के प्रति बहुत दृढ़ निश्चय था कि वो इस डर को दूर करेगा, बिकॉज दिस फियर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि इस डर ने उसके फिशिंग करने के शौक को समाप्त कर दिया था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, वो मज़े लेना चाहता था नौका में जाने के, स्विमिंग करने का, ये सारा खेल उसका बंद था। ही देयर फोर डिड एवरीथिंग टू लर्न स्विमिंग, इसलिए उसने स्विमिंग सीखने के लिए हर वो काम किया जो उसे लगा। ओके, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इस तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश बाय स्कूल सोनी। बाय, टेक केयर, सी यू।